Welcome to SG Inception, your aquarium channel. Today, after a long time, I am back at India's biggest and best pet store. This is Drogo Pets, located at Powai in Mumbai. And अब से बहुत सारी वीडियोस हम लोग बनाएंगे ड्रोगो पेट्स की अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर. पर आज के वीडियो का टॉपिक जानने से पहले हम मिलते हैं ड्रोगो पेट्स के ओनर के साथ. हमारे साथ है मिस्टर शायान अशरफ. हाय शायान सर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट एसजी, एंड इट्स गुड टू हैव यू बैक. आई सीरियसली मिस ड्रोगो पेट्स अ लॉट. बहुत सारे लोग मेल्स कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, डीएम्स कर रहे थे कि क्यों नहीं बना रहे हो ड्रोगो पेट्स की वीडियोस, कब आ रहे ड्रोगो पेट्स की वीडियोस. लोग भी काफ़ी मिस कर रहे थे ड्रोगो पेट्स को. तो पहले तो सर जी ये बताइए कि क्यों नहीं आ रहे थे वीडियोस, और अब से क्या आएंगे रेगुलरली वीडियोस? या एक्चुअली वीडियोस इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि हम लोग एक्चुअली थोड़ा और रेनोवेशन कर रहे थे. जिधर भी हम लोग को स्कोप लगता है कि वी कैन डू समथिंग बेटर या एनिमल्स को कुछ बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जैसे कुछ क्वारंटीन यूनिट्स हम लोग नए बना रहे थे, कुछ और स्पीसीज हम लोग सोर्स कर रहे थे. सो एवरीथिंग टुक थोड़ा टाइम, बट नाउ आई कैन हैप्पीली से दैट वी आर वेरी हैप्पी विद द आउटकम. एंड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाले हैं, स्पीसी स्पेसिफिक वीडियोस आने वाले हैं, हाउसिंग स्पेसिफिक वीडियोस आने वाले हैं. तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. यस, आई एम वेरी ईगर एंड एक्साइटेड. और एक चीज़ मैं हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ, बहुत से लोग ड्रोगो पेट्स में आए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है उन्होंने. और जो लोग ड्रोगो पेट्स में आए नहीं है अभी तक, अगर कभी आप महाराष्ट्र या मुंबई में विजिट करते हो तो प्लीज़ ड्रोगो पेट्स में विजिट कीजिए. ज़रूरी नहीं है कि आपको परचेस करना है कुछ भी, बट एक एक्सपीरियंस लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर इंडिया में ऐसा यूनिक स्टोर बनाए. मेरे ख्याल से ड्रोगो पेट्स ऐसा एक ही स्टोर है जो फॉरेन के पेट स्टोर को टक्कर दे सकता है. तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर आइए. तो सर, आज का बिना ज़्यादा और वक्त लिए आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आप एक बार पहले भी कवर कर चुके हैं. इट वॉज अबाउट प्लैटिनम गार्स. बट क्या हुआ कि प्लैटिनम गार्स बिकॉज बहुत रेयरली आ रहा था, एंड यू नो काफ़ी कस्टमर्स की डिमांड थी, बट सप्लाई वॉज नॉट गुड इनफ. तो धीरे धीरे करके हम लोग ने एक्यूमुलेट कर करके अभी थॉट कि एक स्पेशल वीडियो आपको आपके लिए बनाए, जिसमें वील ट्राई शोइंग द मैक्सिमम कलेक्शन ऑफ प्लैटिनम गार्स इन वन टैंक. तो जनरली ये ऐसे हाउस नहीं किए जाते हैं, बट फिलहाल आई'd लाइक टू शो यू कि कैसे उनको रखा गया है. Sure. So you are not watching a normal gar tank, this is a platinum gar tank. And honestly, इतने सारे platinum gars पहली बार मैं एक fish tank में देख रहा हूँ. Look at those pleasing visuals. ये सारे gars के colors कितने attractive हैं, and I'll show you around the tank. सो शयान सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इतने सारे गार्स एक जगह पर है, तो क्या रीज़न है इतने सारे गार्स को स्टॉक करने का? फर्स्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जस्ट फॉर दिस वीडियो हमने सबको एक टैंक में हाउस किया है. ओके, जनरली इनको इंडिविजुअली काफ़ी बड़ी बड़ी स्पेस दी गई है. ये जो आप देख रहे हैं बीच में एक एक्रेलिक डिवाइडर है जिसके थ्रू पानी आ जा रहा है, सो फिल्ट्रेशन इज़ टेकन केयर ऑफ. ये बैरिकेड इसलिए किया है क्योंकि सबसे बड़ी गार कहीं कोई छोटी गार्स को इंजर ना करे. जस्ट फॉर दिस वीडियो दे आर ऑल हेयर टुगेदर. एंड गार्स यू नो आई मीन बहुत रेयर हैं, बहुत अमेजिंग हैं. एंड आप सोच रहे होंगे कि ये गार्स के ही पीछे क्यों पड़ा है, वो भी प्लैटिनम. प्लैटिनम गार्स आई थिंक बाई फार आर वन ऑफ दी मोस्ट प्रिटी फ्रेश वाटर फिश मॉन्स्टर फिश कैटेगरी में. इसको आप दिन भर भी देखें, एवरी डे देखें, फिर भी आप बोर नहीं होंगे. It's an amazing, majestic, rare species, and it's very rare to have so many of them in one tank. Right. Can you tell us the size of these gars, jo is ke andar hai yahan par?
देखिए ये जो सबसे छोटी हैं इनका साइज इज़ रफली यू कैन से 16 इंचेस, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, लोग जब 6 या 8 इंच की गार्ड्स लेते हैं तो दे आर थोड़ा सा डेलिकेट, थोड़ा फ्रेजाइल, वाटर लेवल्स थोड़ा चेंज हुआ, नाइट्राइट स्पाइक हुआ तो इश्यूज़ आते हैं। बट एट दिस साइज यू विल नॉट हैव एनी इश्यूज़ ऑफ हाउसिंग दैम, स्टर्डी बुलेट प्रूफ फिश है। एंड फिर इससे भी बड़ी साइज में है, ये साइज में भी है, एंड ऑफ कोर्स आवर ब्रांड एम्बेसडर फॉर द एक्वेरियम सेक्शन, यस द मेन अट्रैक्शन ऑफ ड्रोगो पेट्स। एंड यहाँ पर मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा प्लैटिनम गार के रिलेटेड बहुत सारी अमेजिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब इंडिया पर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रोगो पेट्स के वीडियो में मिलेगी, जो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शायान सर ने दी है जो शायद ही आपको यूट्यूब इंडिया पर नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए वीडियो को। अब ये वीडियो की तरफ हम कंटिन्यू करते हैं। तो सर जो भी ये प्लैटिनम गार लेना चाहेगा ये साइज़ का, शॉर्ट में बता दीजिए आपके हिसाब से कि किस तरह से उसकी कीपिंग करें, क्या फिश टैंक मेट साथ में रखे, टैंक की साइज़ क्या होनी चाहिए और फिल्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, शॉर्ट में बता दीजिए सिर्फ इनके स्पेसिफिक ये छोटे गार्स के रिगार्डिंग, छोटे नहीं है बड़े ही है बट इनके साइज़ के रिगार्डिंग। श्योर, देखिए सबसे पहले ऑब्वियसली इनको लार्ज टैंक चाहिए, तो ये छोटे गार्स को भी आप रख रहे हैं तो मिनिमम 5 to 6 feet टैंक आप सेटअप कीजिए, by 2 feet, दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड दैट्स नॉट अ परमानेंट हाउस, वो उसको 1-1.5 साल चलेगा एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू अपग्रेड अगर आप उसका ख्याल अच्छे से रख रहे हैं एंड इट्स ग्रोइंग। सो ऐसे बड़े टैंक में आप रखेंगे तो ऑब्वियसली इट विल लुक ऑल्सो प्रिटी, इट विल फील ऑल्सो प्रिटी। ये फिश एक तरह से बुलेट प्रूफ है, इसको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है, फंगल इशूज़ नहीं आते हैं एंड जनरली बहुत हार्डी फिश है। ओनली थिंग इज अमोनिया एंड नाइट्राइट लेवल्स जो है आप थोड़ा लो रखें, विच मीन्स गुड फिल्ट्रेशन सिस्टम। अगर आपके पास कैनिस्टर फिल्टर्स हैं तो नंबर्स बढ़ा दीजिए कैनिस्टर फिल्टर्स के, ज़्यादा मैकेनिकल मीडिया उसमें यूज़ कीजिए बिकॉज इन लोग जनरली जो है फीडिंग इनकी थोड़ी हैवी होती है। एंड अगेन मतलब आप सोच रहे होंगे कि अगर प्लैटिनम गार कहीं और भी मिल रही है तो ड्रोगो पेट से क्यों लेना चाहिए, अगर सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है तो क्यों, तो मैं उसके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। ये है कि ये गार्स आपके जस्ट नॉर्मल गार्स नहीं है, ये कोई रैंडम गार्स नहीं है, दे हैव बीन क्वारंटीन्ड फॉर अ वाइल, ये यहाँ बड़े हुए हैं। एंड जैसे बहुत जगह आपको मिलेंगे प्लैटिनम गार्स या गार्स इन जनरल जो लाइव फीड पे हों, ये आप देख सकते हैं दे आर नॉट ऑन लाइव फीड, इनका हेल्थ भी बहुत अच्छा है एंड इनको हम लोग ड्राई फीड भी दे रहे हैं एज इन जम्बो कानिस्टेक मैसिवो डिलाइट, प्लस वी आर ऑल्सो गिविंग देम अ गुड मिक्स ऑफ फ्रोजन थॉट फूड। तो जैसे लास्ट वीडियो में वी हैड डिस्कस्ड मांडेली पेटकी बोमबिल, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इनको खिला रहे हैं। तो यू कैन सी इनका गर्थ, इनकी थिकनेस, इनकी साइज, और मेरे पास और एक आइडिया है, जो लोग भी इन ये साइज़ के गार्स को रखना चाहेंगे तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए एक ब्लैक बैकग्राउंड का टैंक 8x2 की डायमेंशंस की टैंक में, पूरी ब्लैक बैकग्राउंड की टैंक में जब आप इस प्लैटिनम ब्यूटी को रखोगे तो क्या आपकी टैंक खूबसूरत दिखेगी, मतलब पूरी क्लास अपार्ट दिखेगी, मतलब ऐसी टैंक देखने के लिए आपकी आंखें तरसेगी बार बार, एम आई राइट शायान सर, एक ब्लैक बैकग्राउंड टैंक में अगर इनको रखा जाए तो? आई थिंक वो बहुत ही अच्छा आइडिया है एंड ब्लैक बैकग्राउंड में जब ये सामने आती है विद प्रॉपर लाइटिंग इट्स वन ऑफ द मोस्ट मेस्मराइजिंग व्यूज दैट यू कैन हैव, एकदम आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है। yes. अभी भी बहुत लोग आके पूछते हैं क्या ये असली फिश है कि कुछ बैटरी ऑपरेटेड आपने रखा है यहाँ पे, दीज आर रियल बट दे आर अमेजिंग, यू हैव टू सी देम इन पर्सन टू बिलीव व्हाट दे लुक लाइक एंड इनकी एक्चुअल प्रेजेंस क्या है। एंड मैं हमारे हर एक व्यूअर को बताना चाहूँगा, परचेज करना ना करना बाद में की बात है, बट आप खुद आइए आँखों से इनको देखिए, बिकॉज आँखों से इनको देखने का मज़ा कुछ और ही है। बिकॉज आई एम श्योर, मैं तो नहीं जानता इतने स्टोर्स विजिट करने के बाद कि किसी के पास किसी के शॉप में एक टैंक में इतनी सारी गार आपको देखने को तो नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ ज़रूर आइए विज़िट कीजिए, अगर आपको लगता है तो ही परचेज कीजिए, बट एक्सपीरियंस लीजिए, फील लीजिए कि अगर ये टैंक में ये गार्स इतनी अच्छे से दिख रही है तो जब आपके टैंक में आप इसमें से एक गार भी लेकर अगर रखोगे तो क्या खूबसूरत नज़ारा दिखेगा आपके टैंक का। एंड ऑल्सो दूसरी चीज़ आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि ड्रोगो पेट्स की आप हर एक फिश टैंक देखिए, ना सिर्फ ये फिश टैंक बट
हर एक फिश टैंक में वाटर मेंटेनेंस, फिश की हेल्थ पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कोई भी फिश आपको बैठी हुई नहीं मिलेगी या कोई भी फिश आपको डरी हुई नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे हर एक फिश को स्ट्रेस फ्री किया जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है प्रॉपरली, तो सारे फिश आपको यहाँ पे हेल्दी एक्टिव मिलेंगे। तो सर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ये फिश प्लैटिनम गार तो खैर अपने ही वे में कुछ अलग है, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई टक्कर नहीं है, बट क्या और ऐसी कोई फिश देखना कोई चाहेगा, कोई जानना चाहेगा क्या मॉन्स्टर फिश कैटेगरी में या बड़े साइज़ के होने वाले कैटेगरी में क्या ऐसी कोई और फिशेस है आपके पास जो आप हमको दिखा सकते हो या उसके बारे में आप हमको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी दे सकोगे? सो एक्चुअली या जैसा आपने कहा इसका कोई मुकाबला नहीं है मेरी नज़र में जी, बट देर आर मेनी इंटरेस्टिंग स्पीसीज, और जैसा आप जानते हैं ये एक प्री हिस्टोरिक स्पीसीज है, इसका फॉसिल 250 मिलियन ईयर्स पुराना है, डायनासोर टाइम्स है। तो मैं आपको एक और प्री हिस्टोरिक फिश दिखाना चाहूँगा इफ़ यू डोंट माइंड। पीछे ही है, इफ़ यू फॉलो मी आई विल शो यू। ओके, तो देखते हैं कौन सी फिश है, मैंने भी नहीं देखी है। ऑलराइट, ओ हियर, ओ एम जी, ओ लुक एट द साइज। यस, पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है, कितने अच्छे वाटर कंडीशंस में इनको रखा गया है, दैट्स व्हाई दे आर रोमिंग सो फ्रीली सो नाइसली, अपने आप को ये भी एंजॉय कर रहे हैं। एंड नाउ लाइटिंग्स भी इतनी अच्छी है, तो आपको इनका मैं पैटर्न भी दिखाना चाहूँगा कितना वाकई में अच्छा है। सो स्टे ट्यून्ड, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जो शायद ही आज तक यूट्यूब इंडिया पर नहीं बना है। तो सर इसके बारे में क्या आप हमको एटलीस्ट हमारे व्यूअर्स को पहले नाम तो हम लोग बता ही सकते हैं? यस, इसका एक डिटेल वीडियो बनाएंगे बाद में फॉर श्योर, बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ये स्पीसीज के, बहुत इंटरेस्टिंग स्पीसीज है, बट फिलहाल स्पीसीज नेम तो बता देता हूँ। तो बेसिकली बाइशेज, जो बहुत लोग बिचीर बिचीर बुलाते हैं, बाइशेज है ये। तो इसमें आपके तुर्कानी भी है, लेप्राडी भी है। तो यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स, इसमें हमारे पास बहुत वराइटीज़ आते हैं, एंड इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा इंटरेस्टिंग, अगर आपको थोड़ा मॉन्स्टर फिश में इंटरेस्ट है, तो और भी बहुत इंटरेस्टिंग स्पीसीज है। अभी यहाँ पर आई लाइक टू शो यू, this is an ababa knife fish. It's a very interesting, very aggressive. मैं हमारे व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि ये फिश आपको, आप कहीं पर भी चले जाइए आपको ये फिश दिखेगी ही नहीं, बहुत ही रेयर है, बहुत ही अनकॉमन है, देखने को नहीं मिलती है। मैं खुद 3-4 साल बाद कवर कर रहा हूँ, लास्ट बार मैंने एक एग्जीबिशन में इसको कवर की थी, बट उसके बाद 3-4 साल बाद मैं अब इसको, इस फिश को देख रहा हूँ। ये फिश मैंने ऐसे सर सुना है कि बहुत एग्रेसिव होती है, बहुत ही मतलब मॉन्स्टर क्वालिटी है इस फिश के अंदर। या बहुत ब्यूटीफुल फिश है, इसकी जो स्विमिंग स्टाइल है बहुत अच्छी है, जैसे ये फॉरवर्ड जाती है वैसे ही रिवर्स में भी आती है, जैसे आपकी घोस्ट नाइट फिश है, इट्स समथिंग सिमिलर टू दैट बट अ लॉट मोर अग्रेसिव। फीडिंग रिस्पॉन्स इज अमेजिंग, इसका फीडिंग वीडियोज भी आपको दिखाएंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्पीसीज है, दिस इज चना इमास। Okay. ये स्नेकहेड वैरायटी है। ये जैसे जैसे ग्रो करती है ये थोड़ी और ऑरेंजिश एंड रेडिश होती जाती है। लुक एट देयर पैटर्न्स, स्टनिंग, ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर आर्ट किया हुआ है, वाकई में नेचर ने आर्ट किया है इनके ऊपर। और ये जैसे जैसे बड़े होते हैं इनका पैटर्न और भी ब्यूटीफुल हो जाता है, दे गेट ब्यूटीफुल फ्रिल्स ऑल द वे अराउंड, अच्छा खासा साइज हो जाता है उनका। आई मस्ट से यू हैव स्टॉक्ड नाउ डिफरेंट वराइटीज, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैं खुद उत्सुक हूँ और हमारे व्यूअर्स भी आई एम श्योर उत्सुक रहेंगे ही रहेंगे फॉर श्योर। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।